सेतु का कार्य चल रहा होता है। एक छोटे से गिलहरी बार बार आती है, अपनी पूंछ भिगोती है, रेत लपेटती है, बार बार जाके पुल के ऊपर गिरा रही होती है। और जब वानर सेना परेशान हो जाती है, हनुमान जी महाराज के पास जाके शिकायत करती है कि महाराज एक ऐसे ऐसे छोटी सी गिलहरी अगर किसी के पाँव के नीचे आ गई तो कोई अनर्थ ना हो जाए। हनुमान जी महाराज जाते हैं, चुपके से उसकी पूंछ पे पैर रख देते हैं, और जब वो दर्द के मारे कराती है, प्रभु राम आते हैं, उसको हाथ में उठाते हैं, पूछते हैं कि गिलहरी तुम ऐसे क्यों करा रही हो। तो सुनिएगा, बड़े सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, मिलकर गाना मेरे साथ। और यही कहना कि बाबा एक गिलहरी बार बार सागर में पूछ भिगोवे, और पूछ भिगोवे बालू लपेटे पुल पर जाए गिरावे। जब यह पूछते हैं तो वो कहते क्या कर रहे करे यू तुम, तो गिलहरी कहती है बड़े नुकीले पत्थर प्रभु के महाराज, ये जो वानर सेना ये बड़े बड़े पहाड़ की शिलाएं बड़े बड़े पत्थर उठा के आपके लिए पुल तो बना रही है, लेकिन जब महाराज मेरे राम श्री राम मेरे भगवान इस पुल पे से निकले कहीं उनके पाँव में कोई कंकर न चुभ जाए, इसलिए मैं इस रास्ते को सुगम बना रही हूँ। बड़े नुकीले पत्थर प्रभु तेरे पाँव में ना चुभ जाए, अरे बालू आपकी राह प्रभु जी इतनी सुगम बनाए। लेकिन आज बाबा का कीर्तन है, आज हमारे को पुल बनाने की जरूरत नहीं, सब बन जाते हैं अपने आप जब बाबा की कृपा होती है ना। और लेकिन अगर आज बाबा का कीर्तन है तो ताली बजा के झूम कर मस्ती लूटनी है, बोले साचे दरबार की, और मिलकर कहना क्या हो, देख वानरों की सेवा महान, देख देखो मेरे को हाजिरी मत लगाना। आदरणीय पप्पू भैया जी बैठे हैं, आज मुलाकात पहली बार हुई है, फोन पे बात हो चुकी है, आपको बताऊंगा आप पहचान जाओगे मेरे को। तो देखो आज बाबा की विशेष कृपा है, वाकई में इतना सुंदर रूप, मैं हर जगह जहां भी जाता हूं भजन करने सबसे पहले बाबा के श्रृंगार की तरफ देखता हूं, और श्रृंगार से पता चलता है जैसे भक्त कराने वाले होते हैं, जैसे भाव कराने वालों के होते हैं ना, वो भाव श्रृंगार के अंदर आ जाते हैं। बोलिए साचे दरबार की, आओ मिलकर गाएं, और ऐसा मजबूर कर दे कि आज बाबा खाटू से आज नोएडा में आए और सबके ऊपर कृपा बरसाए। तो मिलकर कहने क्या इस भजन के बाद थोड़ा सा समय मेरे को भी दो ना। हो देख वानरों की सेवा महान, देख वानरों की, हो मेरे दिल में जगेंगे अरे मान मेरे, हूं मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई के बालू ले आई, मैं तो बालू। आप क्या लायो आज बाबा का कीर्तन है, लायो कुछ लायो हो, मन के भाव लायो ना प्रभु को अर्पण करने के लिए, उठाओ जरा दोनों हाथ ऐसे नहीं, और मिलकर कह दो क्या, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई बालू ले आई, देख वानरों की सेवा महान, देख वानरों की सेवा महान, मेरे दिल में करते ले अरे महान, मेरे दिल में करते ले अरे महान, मैं तो पत्थर बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े
बोलो बोलो। बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या भी साथ है, छोटी सी मिलकर आज भी वश कर दो क्या आ जाए, उठाओ दोनों हाथ और कह दो के बाबा तुम्हें तो पत्थर को पार नहीं पाई के बालू ले आई, मैं तो पत्थर को पार नहीं पाई बालू ले आई। अली सितारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा सितारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा सितारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा सितारो प्रभु जी, सबको है तारा हमें तारो प्रभु जी, सबको है तारा हमें तारो प्रभु जी, जब भगवान श्री रामचंद्र में आई थी, एक कोई स्थान ऐसा था जब वो देखते हैं कि आर्य वानर सेना पत्थर तरा रही, आज मैं भी तरा के देखता हूं, जाते हैं चुपके से इधर उधर देखा, एक पत्थर उठा के जब देखा कोई नहीं देख रहा, एक पत्थर समुंदर में डाल दिया और वो पत्थर तैर जाता है, पत्थर डूब जाता है। हनुमान जी महाराज देख रहे होते हैं, देखो आज प्रभु लीला कर रहे हैं, और जैसे ही नजरें मिलती है राम जी के हनुमान जी से, कहते हैं कि भाई आज तो काम खराब, बोले आज हनुमान ने देख लिया कि वानर सेना तो पत्थर तैरा रही है, और जब भगवान राम ने पत्थर डाला तो वो पत्थर डूब गया। महाराज के पास आते हैं मुस्कुराते हुए, महाराज चकित मत हो, जिसको आपने छोड़ दिया उसको तो डूबना, इसलिए तो कह रहा हूं उठा लो दोनों हाथ। पार होगा मैं जिसे पकड़ो गिरा, 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 जिसे छोड़ोगे जिसे छोड़ोगे जिसे छोड़ोगे पल भर में डूबता है, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूबता है। तेरा रूप कैसे है
में दौड़ाई। अरे उठा लो मिलकर और प्रेम से कह दो क्या, मैं तो पत्थर को उठाए नहीं पाई बालो ले आए, मैं तो पत्थर को उठाए नहीं पाई बालो ले आए, मैं तो पत्थर को उठाए नहीं पाई बालो ले आए, मैं तो पत्थर को उठाए नहीं पाई बालो ले आए, बालो ले आए, बालो ले आए, बालो ले आए। एक गाड़ी 5562 नंबर की, जिसकी भी हो 5562 नंबर गाड़ी वो कृपया करके हटा लीजिए। आइए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे माननीय विधायक साहब हमारे बीच आए हैं बाबा के दरबार में, मैं आमंत्रित करूँगा कि बाबा के दरबार में आए बाबा के समक्ष बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए।